अनशनकारी पीरदान सिंह भी उतरेंगे चुनावी जंग में। अजमेर उत्तर और नागौर की पर्वतसर सीट से लड़ेंगे चुनाव का। असल में अच्छे दिन क्या होते हैं वो मैं आपको दिखाने का करूंगा प्रयास। कई दिनों से अपने ऊपर लगे झूठे मुकदमे को लेकर कलेक्टर के बाहर धरना दे रहे पीरदान सिंह भी इस बार विधानसभा चुनाव में जंग लड़ने के लिए तैयार है। पीरदान सिंह अपने परिवार के सभी सदस्यों पर लगे झूठे मुकदमे की वजह से कई सालों से परेशान चल रहे हैं, इसलिए वह चुनाव को लड़ना चाहते हैं। और आज पीरदान सिंह ने अजमेर उत्तर और नागौर की पर्वतसर से नामांकन भरा है। सर, मैं विधानसभा दो जगह से चुनाव लड़ रहा हूँ, अजमेर की उत्तर और नागौर की पर्वतसर सीट से। पिछली बार मैंने अभी उपचुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। आज 1066 दिन से अंत्यावेंशन पे हूँ। विभिन्न न्यायालयों में दर्ज मुकदमों की एक जांच मांग रहा था, सरकार ने जांच नहीं दी थी। अब मेरे पास में सिर्फ चुनाव लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं चुनाव लड़के यदि जनता का आशीर्वाद रहा, सहयोग मिला, तो मेरी मांग और पीड़ा के साथ साथ अजमेर उत्तर की जनता और नागौर जिले की पर्वतसर की जनता का हर तरफ से सेवा करने का प्रयास करूंगा। और मैं ये चाहूंगा कि जिस प्रकार से पीरदान परिवार तबाह और बर्बाद हुआ है, अन्य किसी परिवार की ये हालात न हो। निर्दोष बच्चियां हैं, पढ़ी लिखी बच्चियाँ, MBA CS LLB 5-5 साल से इनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करा के उनका करियर बर्बाद कर रखा है। भारत का प्रधानमंत्री और राजस्थान की मुख्यमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमने पढ़ा भी ली बचा भी ली, लेकिन ये आर के मार्बल के मालिक के कहने से अजमेर के पुलिस ये झूठे मुकदमे दर्ज करा के दो बच्चियों का जो करियर बर्बाद किया है। मैं चाहूँगा कि जैसे पीरदान की पढ़ी लिखी बेटियाँ बर्बाद हुई है, वो अन्य किसी की बर्बाद न हो। यहाँ के ऊपर एक अच्छा SIT विभाग बने और जो ये बुजुर्ग महिलाएं कन्या इनके ऊपर जो झूठे मुकदमे दर्ज हो, उनकी समय सीमा के अंदर मुकदमे जांच होके दोषियों को जेल में डाला जाए और यदि निर्दोष है तो उनको घर भेजा जाए। लेकिन दुर्भाग्य राजस्थान का, सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य अजमेर का, कि यहाँ की पुलिस प्रशासन एक उद्योगपति RK मार्बल अशोक पाटने के हाथों गिरवी और गुलाम बना हुआ है। संविधान लोकतंत्र को तार तार किया है और कानून को एक उद्योगपति के कदमों में रख कर रखेल और तोहफ की तरह हिंजड़े की तरह ताली बजाया है। मेरे भाइयों, मैं सिर्फ आप लोगों से एक वोट की मांग करूंगा, इसके अलावा न मुझे चंदा चाहिए। मैं सिर्फ जमानत के पैसे जमा करा के बिना पैसे के चुनाव लड़ूंगा। यदि जनता का आशीर्वाद मिला तो मैं आप लोगों को हकीकत में अच्छे दिन क्या होता है उनकी परिभाषा दिखाने का पूरा प्रयास करूंगा। जय हिंद।